हेलो गाइज, वेलकम टू हैरीज ब्लॉग। तो आज है 14th of November, पहले तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं बैंगलोर से दिल्ली इन एयर इंडिया। ये जो मेरी जर्नी होगी ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी होगी इन एयर इंडिया। अपने अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं, आपने बिजनेस क्लास देखा ऑफकोर्स, वो दिल्ली से मुंबई था। ये है बैंगलोर टू दिल्ली, 3 घंटा रहेंगे फ्लाइट में। तो देखते हैं जर्नी कैसे होने वाली है। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो का एम रखते हैं 10,000 लाइक्स। अब आपको जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था बिजनेस क्लास वाले वीडियो में कि मैं बहुत ही जल्दी एक फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूंगा एयर इंडिया के, तो हाँ बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ। तो इसके पहले ये वीडियो में लाइक कर देना, आप तक वो वीडियो पहुँच पाए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैरीज व्लॉग्स, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट बनाने को, ठीक है ना। ये है एयर इंडिया के काउंटर्स, वो हैं इंडिगो के काउंटर्स और उसके आगे अकासा एयर के भी काउंटर्स हैं। तो अब जाके हम फटाफट अपना बैगेज ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आप एयर इंडिया में ट्रैवल करोगे ना, तो आप 25 किलो तक जो है लगेज पीछे दे सकते हो, कंपेयर टू एनी अदर एयरलाइन जिसमें 15 किलो अलाउड होता है। तो हाँ, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इकोनॉमी क्लास में। लास्ट टाइम शायद हमने ट्रैवल किया था बिजनेस क्लास में, बट कोई बात नहीं, अब इकोनॉमी देखते हैं वापस कैसा है। सो फार सो अमेजिंग एयर इंडिया, राइट। नमस्कार, दिल्ली, श्योर, देयर इज माय टिकट, रिक्वेस्ट यू टू गिव मी विंडो सीट प्लीज। श्योर, आई ट्राई फॉर इट। बोर्डिंग पास मिल गया हमको, मैं जा रहा हूँ अंदर सिक्योरिटी के लिए। बाकी बैंगलोर का जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है काफी बढ़िया रहता है। मैंने लास्ट ट्रैवल किया था विस्तारा बिजनेस क्लास में, तो हैदराबाद का बहुत ही खराब था सिक्योरिटी प्रोसीजर था, लेकिन हाँ बैंगलोर में अच्छा है, बढ़िया है। और हाँ, टर्मिनल 2 भी है रेडी बैंगलोर का, जो कि आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस टर्मिनल है, रेडी है। मैं उसमें ट्रैवल करूंगा, आई थिंक समवेयर सम टाइम इन दिसंबर ट्रैवल करूंगा, जब वहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। अभी फ्लाइट शुरू नहीं हुई टर्मिनल 2 से, हालांकि इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एंड बहुत सुंदर है। हम ट्रैवल करेंगे टर्मिनल 2 से, दिसंबर तक रुक जाओ। बाकी अब जाता हूँ सिक्योरिटी एरिया के लिए जो कि ऊपर है। सिक्योरिटी वॉज रियली स्मूथ, और आपको याद होगा हैदराबाद में हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी इट वॉज रियली स्मूथ। और हाँ, ये पहली बार नहीं मेरा बैंगलोर में इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हर बार ही पता नहीं, इनकी मैनेजमेंट जो है ना काफ़ी बढ़िया रहती है। गाइस एक्चुअली ना, मैंने नया कार्ड लिया है वीज़ा प्लैटिनम का, तो मैं जा रहा हूँ लाउंज, देखते हैं वो कार्ड चलता है कि नहीं। चल गया तो अच्छा है, लंच कर लूँगा। और अभी 1 घंटा है बोर्डिंग को, अभी हो रहा है 3:10। तो हाँ, दिस इज़ बैंगलोर एयरपोर्ट, बहुत बार देख चुके हो, लेकिन इसका नया टर्मिनल बन चुका है जहाँ मैं जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, सबसे ज़्यादा। बाकी ये भी अच्छा है, नॉट बैड, 2008 में बना था ये टर्मिनल। मैं गया था, वीज़ा प्लैटिनम कार्ड है मेरा एक्चुअली कोटक का, ठीक है ना, 600 रुपये दे रहा हूँ साल के कार्ड के लिए, और चल नहीं रहा लाउंज में। भाई अब मैं बैंक को ब्लेम करूँ या फिर मैं पता नहीं किसको ब्लेम करूँ, मुझे कमेंट करके बता देना। ऑल्सो ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट वीडियो ऑन एविएशन, तो मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ यार, कार चला नहीं है, मुझे लग रही है भूख जबरदस्त, तो अब देखता हूँ भाई कहाँ से खाना है क्या, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज्यादा। मैंने लिया है वेज लसानिया, ये लिए मैंने ब्लूबेरी स्मूदी, ये ऑप्शन नहीं था, मिक्स बेरी स्मूदी है ये, और ये है वेजिटेबल लसानिया, तो ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था, कट गया मेरा ऑफकोर्स, बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप समझ ही जाओ। एंड अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3:30, लगभग आधे घंटे बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, और लंच मिलेगा नहीं फ्लाइट में, स्नैक मिलेगा, और लंच मैंने किया नहीं था तो मैंने ये ले लिया, यहाँ से लिया है जोन्स द ग्रोसर। सो फार सो अमेजिंग, खाता हूँ एंड मिलता हूँ फिर। काफ़ी एवरेज लगा मुझे जोन्स द ग्रोसर, बहुत ही एवरेज है गाइस, बहुत ही कट गया मेरा फिर से, बहुत बड़ा हुआ। दिस इज आर बोर्डिंग गेट टू दिल्ली, ठीक है ना, फ्लाइट का बोर्डिंग गेट यही है। और हाँ, अभी तक प्लेन भी नहीं आया, एंड आई थिंक प्लेन अभी लैंड हुआ है, और 4:15 तो अभी यहीं पर हो गया, 4:10 का था बोर्डिंग टाइम, अभी तक प्लेन नहीं आया है। और एरोब्रिज से जाएंगे, तो भाई ये एक अच्छी चीज़ है। एंड मौसम काफ़ी क्लाउडी है, काफ़ी ओवरकास्ट वेदर है अभी बैंगलोर में। सो फार सो अमेजिंग, 4:39, और भाई साहब बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है, लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं। आई होप बस टाइम से निकल जाए हम लोग यहाँ से। तो हाँ, मैंने विंडो सीट ली है 27F, तो आई होप मैं व्लॉग अच्छे से कर पाऊँ, वरना फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं। तो गाइज बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, और बारिश जबरदस्त बारिश हो रही है गाइज, शाम को तो होती है, खैर हो सकता है कि फ्लाइट डिले हो जाए बिकॉज बारिश बहुत ज़बरदस्त है। गाइज मैं आ गया अपनी सीट में 27F। तो मैंने एक चीज़ देखी है एयर इंडिया में कि ना भाई, भले आप इकोनॉमी में ट्रैवल करो, लेकिन हाँ लेग स्पेस जो है अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक ठाक लेग स्पेस है, और जो सीट है ना काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो ये खासियत आपको हमेशा मिलेगी एयर इंडिया में, जो इनकी सीट्स होती है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है कंपेयर टू एनी अदर एयरलाइन। कोई भी एयरलाइन से कंपेयर कर लो, सामने है सारी एयरलाइंस, किसी से भी कंपेयर कर लो। और हाँ भाई, बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है, वैसे भी यहाँ पे रेड अलर्ट है, चेन्नई और अपना कर्नाटका साइड है, हालांकि पता नहीं सिटी में ऐसी बारिश हो रही होगी कि नहीं, यहाँ पर तो ज़बरदस्त बारिश है। मुझे ना अभी एक मेल आया एयर इंडिया से,
कि आपका जो बैगेज है वो कनेक्ट हो चुका है फ्लाइट के साथ। तो हाँ, अगर आप एयर इंडिया में ट्रैवल करते हो ना तो आपको टाइम टाइम से मेल्स आते रहते हैं। बाकी मैं अगर बात करूँ इंटीरियर की तो इंटीरियर काफ़ी मतलब ठीक ही है, बढ़िया इंटीरियर है ऑनेस्टली, कुछ ऐसा कुछ खराब लगा नहीं मुझे। ये एयरक्राफ्ट है एयरबस A320, तो हाँ काफ़ी नया है, नया एयरक्राफ्ट लग रहा है कंपेयर टू बाकी जो एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट देखे हैं मैंने। इसके साथ यहाँ पे एयर डक्ट भी है, वहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं, ये हो गई लाइट्स, अगर येलो होती तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती, ये थोड़ी सी खराब लगती है मेरे को। ये अटेंडर वेल है, ये है डक्ट वगैरह, और यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस A320 के। तो हाँ, मैंने बोइंग 700 में ट्रैवल किया हुआ है एयर इंडिया के, जो बिजनेस क्लास वाले में देखा ना वो बोइंग था, तो उसका एक्सपीरियंस अलग ही था गाइस, मतलब वो बिल्कुल इंटरनेशनल लग रहा था मुझे। 5 तो यही बज गए और 5:10 का हमारा डिपार्चर था, बट अभी तक हम यहीं पे ही हैं। और यहाँ से दिल्ली का जो एरियल डिस्टेंस है ना, दैट इज़ अराउंड 2000 किलोमीटर्स, लगभग 3 घंटा लगेगा हमको पहुँचने में दिल्ली, और 8:15 बजे पहुँचेंगे अगर हम अभी निकले यहाँ से टाइम से। तो बाय द वे, जब फ्लाइट्स लेट होती है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो अलाउ कर देता है पायलट्स को एक अलग रूट से ले जाने को जो थोड़ा शॉर्टकट हो। तो वैसे ना, जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है ना, वैसे प्लेन्स का भी एक पाथ होता है। तो कई बार क्या होता है, जब फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं तो उनको शॉर्टकट दे दिया जाता है। बारिश जबरदस्त है फिलहाल, तनी टेक ऑफ टाइम से करते हैं कि नहीं। राइट नाउ इट्स 5:14 एंड फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स द रनवे। थोड़ा सा लेट है बट हाँ 15-20 मिनट शायद हम कवर कर लेंगे, और बारिश अभी भी हो रही है ज़बरदस्त। तो एयर इंडिया का क्रू है ना, ये पहले से बेटर हुआ है, मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा रूट था, अभी फिलहाल मतलब दे आर बेटर आफ्टर टाटा टेक ओवर, दैट्स व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज। अगर आपका अभी ट्रैवल हुआ है एयर इंडिया में आफ्टर टाटा, तो मुझे कमेंट करके बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ऑनेस्टली बताना, जैसा भी कमेंट जैसा भी एक्सपीरियंस हो। आप ना एक चीज़ नोटिस करना, मतलब एयर इंडिया में ना ज़्यादातर आपको वो पैसेंजर्स मिलेंगे जो आगे जा रहे हों, जैसे जो मेरे पीछे वाले पैसेंजर्स हैं ना वो जा रहे हैं US, तो इनकी एयर इंडिया की फ़्लाइट है US की फ्रॉम दिल्ली एट 11। तो हाँ, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आ रहा था ना एक बार एयर इंडिया में फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो हाँ मुझे एक पैसेंजर मिले थे जो लंदन से आ रहे थे बेसिकली। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स मिलते हैं आपको एयर इंडिया में बिकॉज इनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। फाइनली वी टुक ऑफ। भाई साहब ऊपर आते ही जो है ना आसमान एकदम ब्लू दिख रहा है, नीचे बारिश ही बारिश थी, ऊपर बिल्कुल ब्लू है। और अभी बस अभी स्नैक्स वगैरह आएंगे, तो आई एम नॉट श्योर क्या आएगा खाने पीने को, क्योंकि बिकॉज लंच टाइम तो है नहीं है, तो जो भी आएगा लेट्स सी। अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, वी सेलिब्रेट यू टुडे। यहाँ पे ना सीट पे भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, मतलब जो कैसे आप इसको पहन सकते हो, लगा सकते हो, यहाँ पे सीट बेल्ट दिया है कैसे लगा सकते हो, एवरीथिंग इज गिवन हियर। A320 के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। आज चिल्ड्रन डे है ना, तो हमारे साथ एक छोटी बच्ची ट्रैवल कर रही है और उसको कॉम्प्लीमेंट्री एक चॉकलेट मिली है, टॉफ़ी दी इन्होंने एयर इंडिया वालों ने, मतलब सारे बच्चों को दी है जो छोटे बच्चे हैं ना। तो हाँ, विच चॉकलेट इज दिस? किंडर जॉय। हाँ, किंडर जॉय मिली है सारे बच्चों को ऑन एयर इंडिया, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है। तो भाई सही है यार, सही जेस्चर है, काश मैं भी बच्चा ही होता तो मुझे भी मिल जाती। जैसे कि आपने देखा है मैंने ट्रैवल किया ही है, बट हाँ इकोनॉमी में USB पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट कुछ भी नहीं है, जो कि होना चाहिए इन माई ओपिनियन, बिकॉज बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक सारी ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स में होना चाहिए। विस्तारा के तो इकोनॉमी में भी है। एंड आई हैव कॉफ़ी विद डबल मिल्क पाउडर एंड शुगर फ्री। ये ट्रेडेबल आगे पीछे भी हो जाता है, तो अपने कम्फर्ट के हिसाब से आप उसको देख सकते हो, आगे करना हो या पीछे। आर मील इज़ हियर, मैंने लिया है वेज। वेज में देखते हैं क्या क्या है। बाकी मैं बता दूँ तो नॉन वेज का भी ऑप्शन था, एंड नॉन वेज में पेरी पेरी चिकन ब्रेस्ट विद मेयो सॉस थी। तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई नॉन वेज ना खाना भारी पड़ सकता है। हैट्स ऑफ टू द जिन्होंने भी मेन्यू डिसाइड किया है एयर इंडिया में, 10/10 फॉर दैट। नॉन वेज में पेरी पेरी चिकन विद मेयो सॉस इन इवनिंग विद कॉफ़ी, देखते हैं इसमें क्या क्या है पहले। तो वेज में क्या क्या है, नॉन वेज का तो मैंने बता दिया आपको। तो ये थोड़ा गर्म है तो इसको थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ेगा।
ओ भाई ये है पाव भाजी विद पनीर टिक्का एंड इट लुक्स अमेजिंग गाइस। सीरियसली एक बार मैंने ना शाम को फ्लाई किया था एयर इंडिया में, तो मुझे पता नहीं कोई गंदा सा सैंडविच मिल गया था। 6 महीने पहले की बात है, तब टाटा टेकओवर को शायद 2 या 3 दिन हुए थे, लेकिन अभी देखो क्या मिल रहा है। ये है इम्प्रूवमेंट। और ये जो है ना पाव भाजी, आई थिंक ये मैदे की नहीं है, कुछ अलग मटेरियल की है और काफ़ी गर्म है। भाजी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। और ये है पनीर टिक्का वगैरह है, पता नहीं क्या है, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। ये आई थिंक ना रशियन सैलड है, इसको स्मेल कर पा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हालांकि रशियन सैलड मेरे पर्सनल टेस्ट में नहीं है, रिप्रेजेंटेशन को 10 on 10। ये है कोई चॉकलेट, काफ़ी ठंडी है ये, मिल्क चॉकलेट विद रोस्टेड नट्स एंड रेजिन्स। तो इसका MRP है कुछ 50 रुपये। हाँ 50 रुपये का MRP है इसका। मूल कोल्ड दिया इन्होंने, मैं इनसे एक और लूँगा कॉफ़ी के वक्त। ये शायद इन्होंने शुगर वगैरह दी है, हालांकि मैंने इनको बोला है कि मुझे शुगर फ्री लाकर देना। और यह है पानी की बोतल, यह है कटलरीज, कटलरीज में लिखा हुआ है साफ साफ एयर इंडिया। तो भाई एक एक करके एक बार टेस्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं पहले कैसा है कैसे नहीं। पहले मैं ये ट्राई करता हूँ भाजी, जो कि एक नंबर लग रही है, सीरियसली काफ़ी बढ़िया है गाइस। हालांकि इसके अंदर आलू की जगह चने हैं, बट स्टिल इट्स रियली गुड। और ये पाव के साथ खाने में अच्छी लगेगी। हालांकि अगर पाव की जो क्वांटिटी है अगर वो ज़्यादा होती ना, तो मैं पूरे सबको 10 on 10 देता। क्वांटिटी शायद एक और दे सकते थे, पाव एक ही दिया है, एक और दे सकते थे इन माय ओपिनियन। बाकी टेस्ट करता हूँ ये कैसा है पाव। तो आपने बहुत बार बन खाया होगा ना चाय के साथ, घर पे बन खाया होगा, तो वैसे ही बन है ये। ये नॉर्मल टिपिकल पाव नहीं है जो हम खाते हैं पाव भाजी के साथ। ये मैदा नहीं है, कुछ और है, आई थिंक ये बेसन लग रहा है मुझे, आई थिंक सो। ठीक है, तो हाँ 9.5 on 10 विदाउट अ डाउट बहुत अच्छा है। हालांकि हाँ ये ज़्यादा हो सकता था, एक और बन दे सकते थे। अब ट्राई करता हूँ ये पनीर टिक्का, आई थिंक ये पुदीना पनीर टिक्का है जैसा भी है, मैं ट्राई करा जाए इसको। भाई बहुत हार्ड था एक्चुअली, टूट नहीं रहा था, बट हाँ इसको ट्राई करता हूँ एक बार। गाइज ऑनेस्टली टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है पनीर टिक्का का, लेकिन हाँ पनीर थोड़ा फ्रेश हो सकता था बिकॉज ये टूट नहीं रहा है अच्छे से, बस एक चीज़ एक प्रॉब्लम है, बाकी तो पनीर काफ़ी टेस्टी है। तो हाँ ये जो कोटिंग वगैरह की है ना ऊपर से मसाला वगैरह की, काफ़ी अच्छा है। एक बार भी ट्राई करता हूँ रशियन सैलड, आई थिंक सो ये रशियन सैलड है। गाइज ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है गाइज ये रशियन सैलड, हल्का सा स्वीट फ्लेवर है इसके अंदर और पाइनएप्पल भी है, इट टेस्ट अमेजिंग। हाँ इसको 10 on 10 दूंगा, पनीर टिक्का को 8.5 और इसको 9.5, ओवरऑल 9 on 10, काफ़ी अच्छा है। कॉफ़ी आती है ना तब कॉफ़ी पीता हूँ, जब तक मैं इसको ख़त्म करता हूँ। गाइस ये चॉकलेट भी काफ़ी बढ़िया है, मैं स्पाइस जेट से ट्रैवल कर रहा था ना स्पाइस मैक्स में, उन्होंने भी यही चॉकलेट दी थी, लेकिन उन्होंने नट वाली नहीं दी थी, कोई मतलब और सस्ती वाली दी थी। पर ये चॉकलेट काफ़ी बढ़िया है, इसमें देखो काफ़ी नट्स हैं, रेजिन्स वगैरह हैं। हाँ टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है इस चॉकलेट का। मैंने शुगर फ्री ले ली उनसे, नॉट फॉर किड्स बच्चा, मैंने उनसे शुगर फ्री लिए और एक्स्ट्रा क्रीमर ले लिया उनसे। तो हाँ अब मैं कॉफ़ी पीऊँगा आराम से, और कुछ कुछ प्लानिंग भी करनी है, दिल्ली पहुँच के कहाँ जाना है आप लोगों को। What do you want? अच्छे शुगर फ्री है, नॉट फॉर किड्स। कॉफ़ी इज हियर, इनकी कॉफ़ी बहुत बढ़िया होती है गाइस कसम से, मतलब बनाने वाला कोई लफड़ा नहीं है, ब्लेंड तो इन लोग अंदर से करके लाते हैं। खाना तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है इकोनॉमी में, ग्लास की चाहिए या सिरेमिक की चाहिए ना, जो आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो तो वहाँ पे फिर आपको टॉप क्लास की चीज़ें मिलेंगी। फाइनली डन विद द स्नैक, थोड़ा आराम आराम कर लेते हैं। So right now it's 7:42 and we are about to land. भाई साहब ऐसे लग रहा है पता नहीं 10 घंटे हो गए, बट बहुत बहुत यार बैठे बैठे थक गया हूँ मैं काफ़ी। Right now it's 8:10 और फाइनली रीच दिल्ली आ गए थे, और सबसे लास्ट में मैं निकल रहा हूँ, फ्लाइट के बाहर निकलता हूँ, तो भाई तभी मिलता हूँ आपसे। बहुत तेज़ लगी हुई हुई है यार, लग रहा है पता नहीं 9 घंटे की फ्लाइट थी यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बैंगलोर से Terminal 3 में लैंड हुए हैं दिल्ली के। तो हाँ भाई बस में चलना बहुत पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ये है गेट है। एनीवे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी बड़े एक्सपीरियंस था, खासकर फूड तो यार एपिक था, बहुत बढ़िया फूड था एंड एक्सपीरियंस वाज गुड। तो गाइस ये है आइकॉनिक डिज़ाइन दिल्ली एयरपोर्ट का, लेकिन हाँ अब ना ये काफ़ी पुराना हो गया है और इसका भी ना थोड़ा बहुत रेनोवेशन बनता है। और हाँ हमारी बेल्ट नंबर 7 है, जाके सामान लेता हूँ, अब बिजनेस में तो आया नहीं हूँ कि सामान सबसे पहले आया रहेगा, तो इसलिए मैं बैठ गया था थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करने के लिए। हालांकि मैंने बिजनेस क्लास में नहीं लिया था, बट मेरा सामान पहले ही आ गया प्रायोरिटी में फॉर सम रीज़न। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे आई फील मोर बेटर। लाइक एम रखा है 10,000 वाली वीडियो का, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।